पीट रोड स्थित रस्सी की दुकान में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। देवास से ही आज की खास खबर। पीट रोड स्थित पटाखे की दुकान के पास स्थित रस्सी की दुकान में अचानक आग लग गई। आग की सूचना फायर विभाग को दी गई तो मौके पर नगर निगम की फायर ब्रिगेड पहुंची। बताया जा रहा है कि आग इतनी बढ़ गई थी कि ऊपर के 3 मंजिल तक पहुंच गई थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग बुझाई गई और आग लगने की सूचना पर रहवासियों द्वारा भी आग बुझाने का काफी प्रयास किया गया। आग इतनी भयंकर थी कि रस्सी के गोदाम के पीछे तक आग पहुंच गई। मौके पर एसडीएम, एडिशनल एसपी, सीएसपी, तहसीलदार पहुंचे। वहीं आसपास के घरों में रहने वालों को भी घरों से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि जिस दुकान में आग लगी है उसके पास में पटाखे की 2 और दुकानें हैं। आग लगते ही आसपास के लोगों की भीड़ को भी पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके हटाया गया। गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। हरतिवी रोग सेंटर है, वहीं पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 2.5 से 3 घंटे पूर्व। और अच्छी बात ये रही कि सूचना प्राप्त होने पर शासन के सभी अंगों द्वारा बहुत कम समय में रिस्पांस दिया गया, पूरे रिसोर्सेज लगा दिए गए। बीएनपी से सीआईएसएफ की टीम अपने रिसोर्सेज के साथ पहुँच गई और बीवी पूर्विया और उनका दल साथ में था। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि घटना होती है उसको रोकने के उपाय विचार किए जाएंगे, लेकिन घटना की सूचना मिलने पर रिस्पांस टाइम बहुत कम था, जिसके चलते बड़ी घटना पर हम लोगों ने बहुत कुशलता से नियंत्रण कर लिया है। तो देखने में आया है कि पिछले 2 घंटे से आग लगी थी और प्रशासन की टीम हो या पुलिस की टीम हो या अन्य जो रहवासी थे लगातार सतर्क उसको बुझाने में लगे हुए थे। इसको बुलाने में बुझाने में लगे हुए थे सर। हाँ बिल्कुल, ये जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो पब्लिक और प्रशासन दोनों लोग कंधे से कंधा मिलाकर करते हैं, तो कुशलता से इस पर काबू पाया जा सकता है, जिसका एक अच्छा उदाहरण आज था। इसको नियंत्रण कर लिया गया है। आग कैसे लगी इसके कारणों की समीक्षा की जा रही है और नुकसान की भी, तो ये कंट्रोल करने के बाद कितना नुकसान हुआ इस पर। सर माना जाता है पास में फटाखे की दुकान भी थी, क्या कुछ लगता है? देखिए पटाखे की दुकानें लाइसेंसी हैं और हम लोगों ने जो जाँच किया था तो विद इन लिमिट उसमें स्टॉक था। अब हम लोग इस पर कल से पुनर्विचार करेंगे इन परिस्थितियों में और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि विद इन लॉ ऑफ रेम इसको हम लोग शहर से बाहर। सर अभी एक ही दुकान में आग लगी थी कि और भी कहीं पर आग लगी? अभी एक ही दुकान पर लगी थी, नीचे से ऊपर तक आग, एक ही घर नीचे दुकान थी ऊपर घर था, तो अभी हम लोग ने आग फैलने से पहले इस पर कंट्रोल किया। ठीक सर, थैंक यू। या पुलिस कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई थी कि पीठा रोड में दुकान में आग लगी है, तो मौके पर हमारी 3 फायर ब्रिगेड पहुंची है, बीएनपी की भी गाड़ी यहाँ पर। अभी तक कुल कितनी फायर आ चुकी है? अभी टोटल 4 फायर हैं और राउंड अप में कम से कम 8 से 10 गाड़ी लग चुकी है। अभी कैसी स्थिति है आग पर? आग कंट्रोल हो गया, कूलिंग का काम चल रहा है, छत नीचे गिरी हुई, अंदर जाने में समस्या आ रही है। कितने देर का समय लगा आपको आग बुझाने में? अभी कम से कम 1 से 1.5 घंटे तो हो चुके। अभी पीछे की आग लगी थी उसमें क्या स्थिति है? पीछे की आग भी कवर कर ली गई छत की, मैं खुद जाके ऊपर कवर करवा के आया हूं। आपका नाम? अनुभव चंदेल, फायर डिपार्टमेंट। मामला था पीटा रोड में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी और थाना प्रभारी सभी लोग पहुंचे थे और इस पर कंट्रोल पा लिया गया है। हातिमी रोप सेंटर है, एक रस्सी की दुकान, इसके अंदर ही आग लगी और साथ ही साथ उसके ऊपर का जो घर है उस तरफ भी आग की लपटें पहुंची थी। यहाँ की दोनों ही तरफ से फायर ब्रिगेड तत्काल कंट्रोल कर लिया गया। कितने घंटे की मशक्कत के बाद कितने अभी तक 3-3.5 घंटे इसमें हो चुके हैं और लगातार इसकी निगाह रखी जा रही है। अच्छा, कुछ परिजन भी लोग फंसे हुए थे सर, उनको भी? वो सभी को रेस्क्यू कर दिया था, समय से ही उनको नीचे उतार लिया गया था। सर कहीं ना कहीं बड़ी घटना हो सकती थी, पास पटाखे की दुकान भी थी सर। इसमें जो रोप की लगी है उसकी दुकान में आग बुझाली गई, पास में दुकान था उसको भी खुलवा के चेक कर लिया गया है, उसमें भी पानी डाला गया है एहतियातन तौर पर और काबू में।